जय सियाराम दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गुप्त नवरात्रियों का रहस्य क्या होता है। तो 10 प्रकार की महाविधाएं होती हैं। तो आज कौन कौन सी महाविधाएं का क्या स्वरूप है, उनके प्रकट होने का क्या उद्देश्य है और उनकी पूजा पाठ से क्या क्या हमको फ़ायदे मिलते हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार शारदीय नवरात्रि में या माता रानी के 9 स्वरूप प्रचलित हैं जिनकी पूजा नवरात्रों में की जाती है, ठीक उसी प्रकार माता रानी की 10 महाविधा भी रूप हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जिनकी पूजा गुप्त नवरात्रि के समय में की जाती है। माता सती ने भगवान शिव के सामने अपना प्रभाव दिखाने के लिए ये इन रूपों को प्रकट किया था, जिनका प्राकट्य अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग समय पर हुआ था। इन 10 महाविधाओं के रूप की साधना मुख्य रूप से तांत्रिक विद्या व शक्तियां प्राप्त करने के लिए की जाती है, इसलिए इन्हें तांत्रिक महाविधा या शक्तियां भी कहा जाता है। आज मैं आपको बताती हूँ कि 10 महाविधाओं के नाम सहित उनके बारे में कुछ संक्षेप में जानकारी। प्रकृति के अनुसार जो हमारी 10 महाविधाएं हैं ये 3 समूह में बटी हुई हैं, जैसे सौम्य कोटि, उग्र कोटि और सौम्य उग्र कोटि। तो जो सौम्य कोटि की महाविधाएं हैं उनके नाम हैं त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी माता और कमला माता। जो उग्र कोटि की महाविधाएं हैं उनके नाम आते हैं माता काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी। और जो सौम्य उग्र कोटि की माताएँ हैं उनके नाम आते हैं तारा और त्रिपुर भैरवी। तो आइए जानेंगे हम इन्हीं 10 महाविधाओं के बारे में कि इनका प्राकट्य कैसे हुआ, किस उद्देश्य के लिए हुआ, इनकी पूजा करने से हमको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आइए ये सब कुछ पे बात करते हैं। 10 महाविधाओं में जो पहली महाविधा है उनका नाम है महाकाली या माता काली। ये पहली महाविधा मानी जाती हैं जो माता सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप अत्यंत ही भीषण व दुखों का संहार करने वाला है। माता सती ने क्रोधवश सबसे पहले अपने सबसे भीषण रूप को प्रकट किया था जो फुंकार मार रही थी। माता काली के विचित्र स्वरूप में कई अद्भुत रहस्य भी छुपे हुए हैं। उनके स्वरूप के प्रत्येक अंग प्रत्यंग का दार्शनिक अर्थ होता है जो उनके वास्तविक स्वरूप को दर्शाता है। उनका नीला काला वर्ण आकाश तत्व का प्रतीक माना जाता है जो संपूर्ण चराचर जगत को धारण करने वाला है। उनके गले में 50 मुंडों की माला है जो 50 संस्कृत वर्णों को बताती है। माता काली के 3 नेत्र हैं, वो अग्नि के 3 स्वरूप यानी सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को दर्शाते हैं। उनकी कमर में कटे हुए हाथों से बनी माला है जो किसी व्यक्ति के समस्त कर्म तथा प्रारब्ध का नाश होकर उसकी मोक्ष प्राप्ति को बताती है। वह अंधकार में रहती हैं। शास्त्रों में विचार शून्यता को ही अंधकार कहा जाता है। यही वह स्थिति होती है जब भक्त सांसारिक द्वेष और कलेशों से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव उनके चरणों के नीचे हैं जो बताता है कि वह सर्वोच्च शक्ति हैं और एक बार क्रोधित होने पर स्वयं महादेव के अतिरिक्त उन्हें अन्य कोई शांत नहीं कर सकता है। माँ काली शमशान निवासिनी है यानी कि वो शमशान में निवास करती हैं। यही वह स्थान है जहाँ व्यक्ति के समस्त दुख रोग शोक नष्ट हो जाते हैं, जहाँ भक्त का अहंकार नष्ट हो जाता है और वह ईश्वरीय कृपा का पात्र बन जाता है। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है जो उनके समस्त भक्तों समस्त प्रकार के भय से मुक्त कर देता है। दूसरा हाथ उनका वरद मुद्रा में है जो बताता है कि वह अपने भक्तों को वरदान देने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। आइए जानते हैं कि महाकाली के प्रकट होने के उद्देश्य क्या था। रक्त बीज व शुम्भ निशुम्भ राक्षसों का वध करने के लिए माँ काली का प्राकट्य हुआ था। रक्त बीज एक ऐसा राक्षस था जिसके रक्त की एक बूंद नीचे धरती पर गिरती तो उसमें से एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था। तब माता रानी ने अपने इस भीषण रूप से उस राक्षस के रक्त की बूंदों को धरती पर गिरने से पहले ही उसे पी लिया था और उसका अंत किया था। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि महाकाली की पूजा के फायदे क्या होते हैं। शत्रुओं व दुष्टों का नाश यदि आपको करना है तो आपको माता काली की आराधना करना चाहिए। स्वयं में परिवर्तन लाना हो या मन से बुरी प्रवृत्तियों को निकालना हो या अभय का प्राप्त वरदान प्राप्त करना हो, समय की महत्वता का ज्ञान प्राप्त करना हो तो आपको माता काली की आराधना करना चाहिए। महाविधाओं का जो दूसरा रूप है उनका नाम है माता तारा। जी हाँ, जो तारा माँ है वो दूसरी महाविधा मानी जाती हैं जो माता सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप भी भीषण व दुष्टों का संहार करने वाला है, इसलिए इन्हें माँ काली के समान ही माना जाता है। माता रानी के इस स्वरूप ने भगवान शिव को स्तनपान करवाया था, इसीलिए इन्हें शिव की माँ की उपाधि भी दी गई है।
देवी माँ तारा को तांत्रिकों की प्रमुख देवी भी कहा जाता है, जिनकी सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने आराधना की थी। भगवती तारा के तीन स्वरूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। शिव के 10 रुद्र अवतारों में दूसरा अवतार तारकेश्वर नाम से प्रचलित है। तारकेश्वर अवतार की शक्ति देवी तारा मानी जाती है। माँ तारा को भगवान शिव शंकर की भी माता माना गया है, इसी कारण ये समस्त जगत की माँ है। इनकी साधना का प्रचलित मंत्र भी है, सर्व विघ्नों का नाश करने वाली महात्मा महाविधा तारा स्वयं भगवान शिव को अपना स्तन दुग्ध पान कराकर हलाहल की पीड़ा से मुक्त करने वाली हैं। देवी महाकाली ने हयग्रीव नामक दैत्य के वध हेतु नीला वर्ण धारण किया था तथा उनका वह उग्र स्वरूप उग्र तारा के नाम से विख्यात हुआ। ये देवी या शक्ति प्रकाश बिंदु के रूप में आकाश के तारे के समान विद्यमान है। माँ तारा का यह जो स्वरूप है सर्वदा मोक्ष प्रदान करने वाला तथा अपने भक्तों को समस्त प्रकार के घोर संकटों से मुक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। देवी का घनिष्ठ संबंध मुक्ति से ही है, फिर वह जीवन और मरण रूपी चक्र हो या अन्य किसी प्रकार के संकट से मुक्ति हेतु हो। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान इधर उधर फैला हुआ है उनके एकत्रित होने पर ही इन्हीं देवी के रूप का निर्माण होता है तथा वह समस्त ज्ञान इन्हीं देवी का मूल स्वरूप ही है। कारणवश इनका एक नाम नील सरस्वती भी है। देवी का निवास स्थान घोर महाशमशान है, जहां सर्वदा चिताएं जलती रहती हैं तथा ज्वलंत चिता के ऊपर देवी नग्न अवस्था या बाघम्बर पहनकर खड़ी होती हैं। देवी नर खप्परों तथा हड्डियों के मालाओं से अलंकृत हैं तथा सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करती हैं। तीन नेत्रों वाली देवी उग्र तारा का स्वरूप जो है वो अत्यंत ही भयानक होता है। आइए माता तारा के प्राकट्य का उद्देश्य जानते हैं। सतयुग में देवदा तथा दानवों के बीच हुए समुद्र मंथन में जब अघात मात्रा में विष निकला तो उसका पान स्वयं महादेव ने किया, किंतु विष के प्रभाव से उनके अंदर मूर्छा छाने लगी। तब माता पार्वती ने तारा रूप धरकर उन्हें अपना स्तनपान करवाया, जिससे शिवजी पर विष का प्रभाव कम हुआ, इसलिए माता तारा का प्राकट्य हुआ था। आइए अब जानते हैं कि इनकी पूजा के फायदे क्या हैं। यदि आपको मातृत्व भाव या जागृत करना हो तो आप माता तारा की आराधना कीजिए। संकटों का दूर करना, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति तथा मोक्ष प्राप्त कराना माता तारा की आराधना का एक अचूक उपाय है। जो तीसरी शक्ति है यानी तीसरी महाविधा है, उनका नाम है त्रिपुर सुंदरी। तीसरी महाविधा ये मानी जाती हैं, जो माता सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इन्हें महाविधा षोडशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी आयु 16 वर्ष की है। इनका रूप अत्यंत सुंदर व मन को मोह लेने वाला था, इसलिए इन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। माता त्रिपुर सुंदरी को देवी ललिता भी कहते हैं। देवी ललिता को ही माता त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी को महा त्रिपुर सुंदरी, लीलामती, ललिताम्बिका, लीलेशी, षोडशी ललिता, लीलावती, लीलेश्वरी, ललिता गौरी और राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। षोडशी माहेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति है। इनमें षोडश कलाएं पूर्ण है, इसलिए षोडशी भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि महाविधा समुदाय में त्रिपुरा नाम की अनेक देवियां हैं, जिनमें त्रिपुरा भैरवी, त्रिपुर और त्रिपुर सुंदरी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनकी चार भुजाएं हैं, उनके तीन नेत्र हैं। इस तरह नाम हुआ जो ललिता देवी कैसे पड़ा ये जानते हैं। देवी ललिता आदि शक्ति का वर्णन देवी पुराण में प्राप्त होता है। भगवान शंकर को हृदय में धारण करने पर सती नैमिष में लिंग धारणम से विख्यात हुई। इन्हें ललिता देवी के नाम से पुकारा जाने लगा। माता की सामान्य पूजा दिन में अभिजीत या किसी शुभ मुहूर्त में होती है और माता की जो तांत्रिक पूजा है या साधना है वो निश्चित काल में की जाती है। आइए अब जानते हैं कि माँ त्रिपुर सुंदरी का प्रकट होने का उद्देश्य क्या रहा। पहले दो रूपों में माता रानी ने अपने भीषण रूप का प्रकट किए थे, तत्पश्चात उनका यह सुंदर रूप प्रकट हुआ जो अत्यंत ही सुखकारी व मन को लुभा लेने वाला था। इनका प्राकट्य अपने भक्तों के मन से भय को समाप्त करने व अंतर मन को शांति प्रदान करने वाला माना गया था। माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा आपको सुंदर रूप की यदि प्राप्ति करना हो तो करना चाहिए। वैवाहिक जीवन का अगर सुख नहीं मिल पा रहा हो तो आपको माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा करना चाहिए। जीवन साथी की यदि तलाश करना हो या आपका विवाह समय से ना हो रहा हो तो भी आपको माता त्रिपुर सुंदरी का पूजन जरूर करना चाहिए। मन का नियंत्रण में रखना हो तो भी माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा अचूक मानी जाती है। आत्मिक शांति का अनुभव भी इनकी पूजा से होता है। 10 महाविधाओं की जो चौथी महाविधा है उनका नाम है माता भू
भुवनेश्वरी। जी हाँ, चौथी महाविधा इनको कहा जाता है, जो माता सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इन्हें समस्त ब्रह्मांड व पृथ्वी की माता माना जाता है, इसलिए इनका नाम भुवनेश्वरी अर्थात समस्त भुवन की देवी कहा जाता है। दस विधाओं में से चौथी जो महाविधा होती है, भुवनेश्वरी देवी की जयंती भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाई जाती है। ग्रहण, रंगों के त्यौहार होली, उजाली का प्रतीक दीपावली, महाशिवरात्रि, कृष्ण पक्ष एवं अष्टमी के दिन मुख्य रूप से भुवनेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। भुवनेश्वरी देवी को आदिशक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। कहते हैं कि इन्होंने दुर्गमा असुर का वध किया था। इन्हें काल की जन्मदात्री भी कहा जाता है। इनके मुख्य आयुध हैं अंकुश और पाश हैं। आदि शक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप सौम्य एवं अंग कांति अरुण है। भुवनेश्वरी के एक मुख चार हाथ हैं। चार हाथों में गधा शक्ति का एवं राजदंड व्यवस्था का प्रतीक है। माला नियमितता एवं आशीर्वाद मुद्रा प्रजापालन की भावना का प्रतीक है। आसन शासन पीठ सर्वोच्च सत्ता की ये प्रतीक है। पुत्र की प्राप्ति के लिए लोग भुवनेश्वरी देवी की आराधना करते हैं। भक्तों को अभय एवं सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। इनका जो प्राकट्य का उद्देश्य था वो था ब्रह्मांड के निर्माण व उसके संचारण के लिए हुआ था। जिस प्रकार त्रिदेव को जो है ब्रह्मांड के निर्माता रचयिता एवं संहार कारक के रूप में जाना जाता है, उसी प्रकार माता रानी ने अपने रूप में भी उसकी महत्वता व आदिशक्ति का प्रभाव दिखाया है। इनकी पूजन संतान प्राप्ति की कामना हेतु की जाती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए की जाती है। शरीर में ऊर्जा का अनुभव करना हो तो आप इनकी पूजा कीजिए। कार्य करने की शक्ति प्राप्त भी इन्हीं माता की आराधना से संभव होती है। आइए अब बात करते हैं महाविधा की पांचवी महाशक्ति के बारे में, जिनका नाम है त्रिपुर भैरवी या भैरवी। जो पांचवी महाविधा मानी जाती हैं, जो माता सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप भी अत्यंत भीषण व दुष्टों का संहार करने वाला माना गया है। अपने इस स्वरूप के कारण इन्हें माता काली व भगवान शिव के भैरव अवतार के समक्ष भी माना जाता है। कहते हैं कि देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध महादेव के उग्र स्वरूप काल भैरव से भी है। माता भैरवी की चार भुजाएं और तीन नेत्र हैं। उनके भाल खुले हुए हैं। वे लाल वस्त्र पहने हुए मां मुंड माला धारण करती हैं। काल भैरव की तरह उन्हें भी दंडाधिकारी कहा जाता है। शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत शव, रक्त, मांस, कंकाल, खप्पर आदि विध्वंसकारी चीजें देवी को प्रिय हैं। भूत प्रेत पिशाच डांकनी भैरव कुत्ते आदि उनकी सेना है। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता भी कहलाती हैं। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विधा भी माना जाता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती हैं। इनकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल थल और नभ में उसका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख को भोगता है। जीवन में काम सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए भी इन्हीं देवी की आराधना की जाती है। इनकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति तो होती है, मनवांछित वर या कन्या से विवाह भी होता है। षोडशी का भक्त कभी भी दुखी नहीं रहता। माता रानी का यह जो स्वरूप है वो भैरवनाथ भगवान के समान माना गया है। इनका एक नाम चंडिका भी है, क्योंकि इनका प्राकट्य चंड व मुंड नाम के दो राक्षसों का सेना सहित वध करने के लिए हुआ था। माता भैरवी की जो पूजा है वो बुरी आत्माओं, प्रवृत्तियों व शक्तियों के प्रभाव से मुक्ति मिलने के लिए की जाती है। अभय का मिलना व डर समाप्त होना, वैवाहिक व प्रेम जीवन का सुखमय रहना, शत्रुओं इत्यादि से मुक्ति भी इन्हीं माता की पूजा से मिलती है। माँ त्रिपुर भैरवी के 13 स्वरूप हैं। माता की किसी भी स्वरूप की साधना साधक को सार्थक कर देती है। माँ त्रिपुर भैरवी के कंठ में मुंडमाला धारण किए हुए हैं, माँ ने लाल वस्त्र धारण किए हैं, माँ के हाथ में विद्या तत्व है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा में लाल रंग का उपयोग करने से माता अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी के बीज मंत्रों का जाप करने से संकटों से आपको मुक्ति भी मिल जाती है। अब आता है माता का छठा रूप, छिन्नमस्तिका देवी। जी हाँ, छठी महाविधा ये मानी गई हैं, जो माता सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप माता रानी के सभी रूपों में सबसे अलग है, क्योंकि इसमें माता रानी अपने एक हाथ में किसी राक्षस की खोपड़ी नहीं बल्कि अपना ही मस्तक पकड़े हुए हैं।
छिन्नमस्ता का अर्थ है छिन्न मस्तक वाली देवी, जिनका छिन्न मस्त हो। छिन्न मस्तिका की गणना काली कुल में की जाती है। छिन्न मस्तिका महाविदा का संबंध महाप्रलय से है। महाप्रलय का ज्ञान कराने वाली है महाविदा भगवती का ही रौद्र रूप मानी गई है। महर्षि याज्ञवल्क्य और परशुराम इन्हीं विधा के उपासक थे। श्री मत्स्येन्द्र नाथ व गोरखनाथ भी इसी के उपासक रहे हैं। दैत्य हिरण्यकश्यप व वैरोचन भी इन्हीं शक्ति के एक निष्ठ साधक थे। अतः इन शक्ति को वज्र वैरोचनीय भी कहते हैं। वैरोचनीय कर्म फलेषु जुष्टाम तथागत बुद्ध भी इसी शक्ति के उपासक थे। श्री छिन्नमस्ता का पीठ चिंतापूर्णी नाम से विख्यात है, जिनके स्मरण मात्र से ही नर सदाशिव हो जाता है तथा पुत्र धन कवित्व दीर्घ पांडित्य आदि अहक विषयों की प्राप्ति हो जाती है। छिन्नमस्तिका माता का स्वरूप अत्यंत ही भीषण है। यह माँ का उग्र रूप है, इसलिए इनके इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। माँ अपने अन्य उग्र रूपों में राक्षसों की कटी खोपड़ी हाथ में लिए रहती हैं, जबकि इस रूप में उनके एक हाथ में मैं स्वयं ही उनकी ही खोपड़ी रहती है। माँ एक मैथुन करते हुए जोड़े के ऊपर खड़ी हैं। उनका वर्ण गुड़हल के समान लाल है तथा वस्त्रों के रूप में उन्होंने केवल आभूषण पहने हुए हैं। उनका सिर कटा हुआ है तथा धड़ में से रक्त की तीन धाराएं निकल रही हैं। उनके आसपास उनकी दो सेविकाएं खड़ी हुई हैं। रक्त की तीन धाराएं दोनों सेविकाओं के मुँह में जा रही हैं, जबकि एक धारा उनके स्वयं के मुख में जा रही है। गले में उन्होंने राक्षस की खोपड़ियों की माला पहनी हुई है। कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट पहना हुआ है, जिसके तीन नेत्र हैं। माँ के दो हाथ हैं, जिनमें से एक खड़ग तथा दूसरे में अपना ही कटा हुआ सिर पकड़ा हुआ है। माँ ने कमरबंद के रूप में भी राक्षस की खोपड़ियों को बांधा हुआ है। आइए अब जानते हैं कि माता छिन्नमस्तिका का उद्देश्य क्या था प्रकट होने का। जब माता पार्वती अपनी दो सेविकाओं जया व विजया के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान करने गई, तब स्नान करने के पश्चात तीनों को भूख लगी। दोनों सेविकाओं के द्वारा बार बार भोजन की विनती करने पर माता ने अपना ही मस्तक धड़ से काट कर अलग कर दिया व उसके रक्तपान से सभी की भूख शांत हुई। इन माता की जो पूजा है वो शत्रुओं का समूल नाश करने के लिए की जाती है, भय का दूर करने के लिए की जाती है, विपत्तियों का समाप्त होने के लिए भी इन्हीं माता की पूजा की जाती है। सातवीं जो महाविधा आती है उनका नाम है धूमावती। ये सातवीं महाविधा मानी जाती है जो माता सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप अत्यंत दुखदायी बूढ़ा दरिद्र व्याकुल व भूखा है। माता रानी का यह रूप शिवजी के श्राप स्वरूप विधवा भी है। इसके अवगुणों के कारण इनको अलक्ष्मी व ज्येष्ठा भी कहा जाता है। माता धूमावती की उग्र साधना की जाती है। अघोर पंथ और तंत्र मार्ग के लोग माता धूमावती की साधना करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं। चातुर्मास देवी का प्रमुख समय होता है जबकि इनकी साधना की जाती है। कहते हैं कि धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यह विधवा माता मानी गई है। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका भी हैं। देवी की साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इनकी साधना से इस महाविधा के फल से देवी धूमावती सूक्री के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती हैं। प्रबल महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति भी हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि इनका उद्देश्य क्या था प्रकट होने का। एक बार माता पार्वती को अत्यधिक भूख लगी और उन्होंने शिवजी से भोजन मांगा। उस समय वहां भोजन नहीं था तो शिवजी ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा। कुछ देर में माता रानी की भूख इतनी बढ़ गई कि उन्होंने शिवजी को ही निगल लिया। शिवजी के शरीर में विष के प्रभाव से माता रानी का ऐसा रूप बन गया जिस कारण उन्होंने शिवजी को बाहर निकाल दिया। शिवजी ने बाहर निकलते ही माता रानी के इस रूप को विधवा हो जाने का श्राप दिया था, इसीलिए इनका प्राकट्य हुआ था। माँ हम विधा धूमावती पूजा के जो फायदे होते हैं वो होते हैं संकटों को हरने वाली माता। नकारात्मक गुणों को समाप्त करना हो तो इन माता की पूजा आराधना की जाती है। किसी प्रकार की कमी को दूर करना हो तो आप इनकी आराधना कीजिए। भूख को शांत करना हो तो माता की आराधना करना अचूक फल देती है। आठवीं महाविधा जो होती है वो महाविधा है माता बगलामुखी। इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये दतिया में इनका बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है। आठवीं महाविधा इनको कहा जाता है।
जाता है जो माता सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इस रूप में माता रानी एक मृत शरीर पर बैठी हुई अपने एक हाथ से राक्षस की जिह्वा पकड़े हुए हैं। बगलामुखी देवी का प्राकट्य स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। कहते हैं कि हल्दी रंग के जल से इनका प्राकट्य हुआ था। हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीतांबरा देवी भी कहते हैं। एक अन्य मान्यता अनुसार देवी का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु से संबंधित है। परिणाम स्वरूप देवी सत्व गुण संपन्न तथा वैष्णव संप्रदाय से संबंध भी रखती हैं, परंतु कुछ अन्य परिस्थितियों में देवी तामसिक गुण से भी संबंध रखती हैं। माँ पीतांबरा देवी के कई स्वरूप हैं। कहते हैं कि देवी बगलामुखी समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है। देवी त्रिनेत्रा है, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं, पीले शारीरिक वर्ण युक्त हैं। देवी ने पीला वस्त्र तथा पीले फूलों की माला धारण की हुई है। देवी के अन्य आभूषण भी पीले रंग के ही हैं तथा अमूल्य रत्नों से जड़ित हैं। देवी विशेषकर चंपा फूल, हल्दी की गांठ इत्यादि पीले रंग से संबंधित तत्वों की माला धारण करती हैं। यह रत्नमय रथ पर आरूढ़ हो शत्रुओं का नाश करती हैं। देवी देखने में मनोहर तथा मंद मुस्कान वाली भी हैं। एक नई युवती के शरीर जैसी शारीरिक गठन वाली देवी ने अपने बाएं हाथ में शत्रु या दैत्य के जिह्वा को पकड़कर खींच रखा है तथा दाएं हाथ से गधा उठाए हुए हैं, जिससे जो शत्रु होते हैं वो अत्यंत भयभीत हो रहा है। देवी के इस जिह्वा पकड़ने का तात्पर्य यह है कि देवी वाक शक्ति देने और लेने के लिए पूजी जाती हैं। कई स्थानों में देवी ने मृत शरीर वा शव को अपना आसन बनाया रखा है तथा शव पर ही आरूढ़ रहती हैं तथा दैत्य या शत्रु की जिह्वा को पकड़ कर रखती हैं। युद्ध में विजय दिलाने और वाक शक्ति प्रदान करने वाली देवी माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए भी की जाती है और शत्रुओं का नाश करने के लिए भी इनकी आराधना की जाती है। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। कहते हैं कि नलखेड़ा में कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। माता बगलामुखी चाहें तो शत्रु की जिह्वा भी ले सकती हैं और भक्तों की वाणी को दिव्यता का आशीष भी दे सकती हैं। देवी वचन या बोलचाल से गलतियों का तथा अशुद्धियों को निकाल कर सही भी करती हैं। एक बार सौराष्ट्र में भयंकर तूफान ने बहुत तबाही मचाई थी। तब सभी देवताओं ने माता रानी से सहायता की प्राप्ति की विनती की थी। यह देखकर माता रानी का एक रूप हरिद्र सरोवर से प्रकट हुआ और इस तूफान को शांत किया। उसके बाद से ही माता रानी का बगलामुखी जो रूप है वो प्रचलन में आया। इनकी पूजा जो है शत्रुओं का समूल नाश व उन पर लगाम लगाना है, दुष्टों को अपंग बनाना है, तो आप इन माता की पूजा कीजिए। यदि आपको राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो भी माता बगलामुखी की पूजा अचूक मानी जाती है। दुष्टों को यदि अपंग बनाना है या विपत्ति का हल भी निकालना है तो भी माता बगलामुखी की पूजा अचूक मानी जाती है। नौवीं जो महाविधा है वो है मातंगी माता। इनको नौवीं महाविधा कहा जाता है, जो माता सती के शरीर से प्रकट हुई थी। माता रानी का यह रूप सबसे अनोखा है, क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि भगवान को जूठन का भोग लगाया जाता हो, लेकिन माता रानी के इस रूप को हमेशा जूठन का ही भोग लगाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का एक नाम मातंग भी है। इनकी शक्ति का नाम मातंगी है। माँ मातंगी का वर्ण गहरे नीले रंग का है और ये मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। माँ के तीन नेत्र हैं और रत्नों से जड़े सिंहासन पर ये आरूढ़ रहती हैं। मातंगी देवी को एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला और दूसरे हाथ में वीणा व कपाल लिए हुए हैं। ये अभय मुद्रा में विराजमान रहती हैं। बता दें आपको कि इन्हें तांत्रिकों की सरस्वती भी कहा जाता है। इन्हें प्रकृति की देवी, वाणी और कला की संगीत की देवी भी कहा जाता है। देवी मातंगी हनुमान जी और शबरी के जो गुरु थे ऋषि मतंग की पुत्री थी। मान्यता के मुताबिक एक बार देवी पार्वती की पूजा आराधना करने के दौरान चांडाल महिलाओं ने उन्हें अपना जूठन का भोग लगाया था, जिस पर देवगण और शिवगण नाराज हो गए थे, लेकिन माता पार्वती ने उनकी भक्ति देख उस जूठन के भोग को भी ग्रहण किया था। तभी से माँ पार्वती का एक स्वरूप मातंगी कहलाया। देवी मातंगी एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनके लिए कोई व्रत आदि नहीं किया जाता है। मातंगी माँ सिर्फ आपके वचन और मन से ही तृप्त हो जाती हैं, वहीं उनको भोग में जूठन चढ़ाई जाती है। माँ के जो प्रकट होने का उद्देश्य था वो था, एक बार जब भगवान शिव व माता पार्वती विष्णु व लक्ष्मी जी का दिया हुआ भोजन कर रहे थे, तब उनके हाथ से भोजन के कुछ अंश जो है वो नीचे गिर गए। उसी जूठन से माँ मातंगी का प्राकट्य हुआ। इसी कारण माता रानी के इस स्वरूप को हमेशा जूठन का ही भोग लगाया जाता है। इनकी पूजा करने से बुद्धि व
विद्या का विकास होता है, कला व संगीत के क्षेत्र में उन्नति मिलती है, वाणी पर नियंत्रण व मधुर बनती है वाणी, जादू टोना या माया के प्रभाव से मुक्ति भी इन्हीं की पूजा से ही मिलती है। 10 महाविधाओं में से जो 10वीं और अंतिम महाविधा है उनका नाम है कमला महाविधा। 10वीं व अंतिम महाविधा इनको कहा जाता है जो माँ सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इन्हें माता लक्ष्मी के समक्ष माना गया है, अर्थात यह एक तरह से माता लक्ष्मी का ही रूप है। इन्हें तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। माता कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला व शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है जिसमें से तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरीके के सोने के आभूषणों से वो सुसज्जित हैं। माता ने मुकुट पहना हुआ है तथा उनके केश खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति उनके 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। माता जिस सरोवर में है वहाँ उनके आसपास कई कमल पुष्प खिले हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं जिसमें से 2 उन्होंने कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं तथा अन्य 2 हाथ में वर और अभय मुद्रा में हैं। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं जो जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। माता रानी का यह रूप अपने भक्तों को सदैव कृपा देने वाला है और उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला माना गया है। माँ कमला को अपने गुणों के कारण सभी देवियों व महाविधाओं में सर्वोच्च रूप माना जाता है। माँ कमला से संबंधित रुद्र अवतार कमलेश्वर महादेव भी हैं। माँ कमला को माँ लक्ष्मी के समान प्रकाश पसंद है तथा वे अंधेरे से दूर रहती हैं। देवी कमला को एक तरह से तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है क्योंकि लक्ष्मी के इस रूप की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिकों द्वारा ही की जाती है। आइए अब जानते हैं कि माता का जो प्राकट्य का उद्देश्य था वो क्या था। माता रानी का एक रूप माता लक्ष्मी भी है। इसी रूप को प्रदर्शित करने के लिए माता सती ने अपने कमला रूप को प्रकट किया था। इनकी पूजा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगता है, व्यापार व नौकरी में आपको उन्नति मिलती है, आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, सुख व वैभव में वृद्धि भी इन्हीं की कृपा से होती है। तो ये थी 10 महाविधाओं के उद्देश्य का जो प्राकट्य का उद्देश्य है वो क्या है और इनका स्वरूप कैसा है और इनकी पूजा करने से आपको क्या किन फलों की प्राप्ति हो सकती है उसके बारे में जानकारी। आप जानते हैं कि माता के स्वरूपों का वर्णन करना इतना आसान नहीं होता है और इतने से वीडियो में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं इन सब के लिए सेपरेट वीडियोज़ भी ज़रूर लेकर आऊँगी। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सियाराम।